प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से है। आपको बता दें कि करनाल में नेशनल हाईवे पर ढाबे के पास दर्दनाक हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर दो गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई। आपको बता दें कि सरकारी गाड़ी को पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दोनों ही गाड़ियों के सवार हादसे में बाल बाल बच गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो करनाल से आ रही है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर ढाबे के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर दो गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई। बता दें कि सरकारी गाड़ी को पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि दोनों ही गाड़ियों के सवार हादसे में बाल बाल बच गए। इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था, जिसके बाद क्रेन को बुलाकर दोनों ही गाड़ियों को एक साइड किया गया और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो करनाल से है। एक बार फिर से आपको बता दें कि करनाल में नेशनल हाईवे पर ढाबे के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर दो गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई। आपको बता दें कि सरकारी गाड़ी को पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दोनों ही गाड़ियों के सवार हादसे में बाल बाल बच गए। इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके बाद क्रेन को बुलाकर गाड़ियों को एक साइड किया गया और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो करनाल से आ रही है। ये सर करनाल लेक वाला फ्लाई ओवर है जिरमल ढाबे के सामने, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई है। हाँ, दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई है सर। नुकसान काफी हुआ गाड़ियों का? गाड़ियों का नुकसान हुआ है, ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो क्रेन बुलाई जाएगी? हाँ, क्रेन आ रही है, क्रेन भी आ रही है। पुलिस वालों को भी मैंने इन्फॉर्म किया है, वो पहुँच रहे हैं। सरकारी गाड़ी है जिसमें? हाँ, एक इसमें सरकारी गाड़ी है, हरियाणा सरकार लिखा हुआ है। अचानक उसने ब्रेक मारी जिस कारण एक्सीडेंट हुआ है? तो इसका मेरे को कन्फर्म नहीं है, ड्यूरिंग पेट्रोलिंग इसको अटेंड किया। चोट किसी को नहीं है।